हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी तो आज बढ़िया से रेस्ट हुआ, अपनी स्लीपिंग आज हमको पूरे मिले तो एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। एंड जो आपने हमको पुराने व्लॉग में इतना सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें ना हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि और ज़्यादा व्लॉग्स बनाएं। और रजत अभी गाना गा रहा है, लग रहा है बेसुरा कहाँ चला है, तो मैं नीचे जाती हूँ। ये देखो जबरदस्ती खींच रहा है मुझे कि यहाँ से बाहर देख, नहीं देखना मुझे। बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, ऊपर चल, दिख जान मुझ के अपने बाजू मोड़ रहा। रजत इधर पीछे तो मुड़ो, दिख जाएगा कौन मोड़ रहा है। यू हैव अ क्लेवर वाइफ, मैंने कैमरा ऑन कर दिया था। सो अभी मैं बड़ी मुश्किल से रजत को खींच के ऊपर ला रही हूँ कि मेरे साथ बेड बॉक्स खोल दो। मुझे ना अपने शादी के लहंगे वगैरह बाहर निकालने हैं कि एक बारी देख तो लेती हूँ कि साल हो गया तब से निकाल ली नहीं है बाहर। ये देखो शादी का खजाना, कितना मजा आ रहा है सब कुछ देख के। और यहाँ पे कुछ एक गिफ्ट शादी के टाइम के भी निकाल के रखे हैं। ये सच में झूठ बोलते? ओह यस, नाम भी लिखा है। वाओ सो क्रिएटिव, तुम में तो रजत कोई टैलेंट नहीं आया। तो बेड बॉक्स से सारी चीजें निकाली धूप लगाने के लिए, लेकिन ये आधे घंटे से लड़की अपना बस लहंगा देखे जा रही है। क्यों ना देखूं मैं, कितनी मतलब जद्दोजहद की थी मैंने जब लहंगा लेना था। और फिर उसके बाद ना मैं बड़े इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखती रहती थी वेडिंग डे पे कैसे रेडी होना है, क्या करना है। तो उसमें क्या होता था, दुपट्टे के लिए एक हैक होता था कि ऐसी वाली पिन ऑर्डर कर लो और ये दुपट्टे में जरूर लगाना, फिर दुपट्टा बार बार स्लिप नहीं करेगा। तो ये सच में बहुत अच्छा हैक था ये। आई डोंट नो इन पिन्स का क्या नाम होता होगा, जो भी होता है, बट बहुत अच्छी होती है। फटाक से हमने उसी टाइम सीली थी शादी वाले दिन ही, और ये मैंने लगा दिया। मेरा दुपट्टा इतना सा भी नहीं हिला था। ये बात अलग है कि इतना हैवी था ना, मेरी गर्दन ही हो गई थी, बट बहुत अच्छा था। मैं फिर क्या बोलूँ यार, कुछ अलग फील तो होता है शादी वाले कपड़ों के साथ। नहीं पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि इसको रीयूज कैसे करेंगे ना, जब हम कुछ सोचेंगे। एक टाइम का लिया हुआ सोचना पड़ेगा। अभी हमारे घर में बहुत सारी शादियाँ आने वाली है। पापा धूप में टैनिंग हो जाएगी, क्यों निकाल रहे हो शाम जैसे को निकालना, अभी गर्मी नहीं लग रही? मैं वही सोच रहा हूँ कैसे मेरा वेरीफाई हो गया। तो इनको मना कर देते यार, क्यों किया इसको, ज्यादा दुख हो रहा है। नहीं इंस्टाग्राम वालों सोच रहा हूँ नहीं मानेगा जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। मजा आ गया, पार्टी दूंगा मैं घर पे कुछ बना लो। बाकी लोग क्या करते हैं, वो ब्लू टिक वाला केक लाते हैं, पहले मुझे वो खिलाओ, अच्छा उसके बाद मिलेगा। ओ मैं बनवा लेती हूँ, चल। ऋषि मांडी हमारे वैसे भी घर की केक मास्टर। केक मास्टर। हमारे घर में ना किसी को दो दिन से कॉन्स्टिपेशन है, तीसरे दिन उसका पेट साफ होता है, तब भी केक लाके कुछ भी बोलने लग गया। केक असली होगा बट शेप वैसी। अभी व्लॉग देख के हम मतलब खत्म ही किया व्लॉग, और अभी यहाँ इन लड़कियों को क्या खाने का मन हो रहा है? मेरा तो नहीं। अच्छा मेरा दिन में था, इसने मेरे को पहुंच दिया है। दोनों ऐसे तैयार हुई है कि अभी इस टाइम 8 बज रहे हो, देखो पीछे टाइम बैलगाड़ी आती तुमको। जब शानू पहले बोल रही थी उस टाइम बोल देती ना तुम, तो अपने जज्बात दबाए क्यों रखे तब से? अब अचानक जाग गई इसके। तब तो ऐसे हो रही थी, नहीं नहीं आपको पेट में दर्द हो रही है पहले ही मैगी नहीं खानी, अब पिज्जा की हो रही थी, ठीक है ना। अच्छा तो मम्मी थी रोकने वाली? मैं थी रोकने वाली। क्यों? आपने बोला था कि नहीं खानी। नहीं तो मैंने तो ऐसे ही बोला था, मतलब है भी नहीं है मैगी, तो मैं तो इसलिए बोल रही थी कि तेरे पापा ने तो मुंह पे हाथ रख दिया, क्या करूं पेट दर्द बोल लेती यार कभी तभी बोल रही थी। मैं जा रही हूँ, चलो ना, अच्छा लगता है। चलो कभी मैगी मिल जाएगी। चलो पापा चलो, फिर आपका भी नेट तो चल नहीं रहा है, वाईफाई गया, पता नहीं क्या हो गया। आज से IPL शुरू है ना, तो क्या करें, चलोगे तुम? चलो ओए तू भी तो खा रही है, चलना है तुमने, लो थैंक यू, चलना है। हाँ, तो चलो बहुत लेट हो गया, स्टार्ट करो आगे। मैं मम्मी ने इतने प्यार से सेविया, चल चल बस खाए जा रही है, चल। इसने बोला मैं तो दीदी आप खा रहे हो, मेरे को भी खाना था। ये दीदी मुझे घूर घूर के देख रही थी, मुझे लगा पेट में दर्द है, मैंने खा लो आप भी। चलो 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 मैं निकल रहा हूँ क्या। चलो तो मेरे काम मना कर रहा हूँ, पिज्जा खाना पड़ेगा। नहीं मैं खाऊंगी कुछ नहीं, ऐसे
हमें देखोगे कि हमने क्या क्या खाया। चलो 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 उठो उठो, फिर पापा कहाँ हैं? चलो, और अगर वो तेंदुआ फिर से मिल गया, चलो उठो उठो उठो। वैसे तो मुझे पता है हमारा कुछ खुला नहीं मिलने वाला है, इसलिए पहले ही खा के जा रही हूँ। तो ऐसे आउटिंग हो जाएगी। पापा कहाँ हैं? क्या देखे, इंजेक्शन लगाने को तैयार हो गए। अपना इंजेक्शन तैयार किया। मुझे लगता है एक टाइम था जब माँ बाप बच्चों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, हमारे माँ बाप हमें सुधारने की कोशिश कर रहे थे, इनको ये लगा ये तो सुधरने नहीं वाले, हम भी बिगड़ जाते हैं, सब चले बाहर। अरे मम्मी लगे ना चपातियाँ बनाने, तो पापा लगे बोलने कि इसको बना रही है, भाई आपको बना जाती हूँ, हम लोग तो बाहर जा रहे हैं। नहीं भाई मैंने खा लेना बर्गर, पूछा था लग गया इंसुलिन। चलो 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 चलो, थैंक यू। किसके लिए डाल रहे हो? खुद डालेगी, हमको मिल ही गया फाइनली। बढ़िया पिज्जा मिला और यहाँ मजा आया। क्या मुंह में ये भरा हुआ, मैंने नहीं खाया तेरी। अभी हम थोड़ी देर पहले घर पहुंचे थे, खूब इंजॉय किया हमने, ऐसा मजा आता है जब पूरी फैमिली साथ में जाए। और आजकल मुझे शौक हुआ है कि कड़े पहनती मैं अलग अलग से, और ये कड़े मुझे मेरी सासू मोम ने दिए थे, तो बहुत प्यार से दिए थे उन्होंने, ये भी पुराने कड़े हैं उनकी नानी के शायद, तो आज मैंने ये पहने थे। जब जब जो जो कड़े मिलते रहते मैं पहनती रहती हूँ, क्योंकि चूड़ा तो मैं पहनती हूँ, तो इनका मुझे शौक हुआ है। और फिलहाल अभी सब सो चुके हैं, तो मैं भी ज़्यादा शोर नहीं मचाऊँगी और मैं भी सो जाती हूँ, और आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, यार यहाँ पर सुबह इतनी अच्छी और पीसफुल होती है ना, ये देखो बर्ड्स की आवाज़, मेरा मॉर्निंग अलार्म ही यही है, जब जोर जोर से बर्ड्स चर्पिंग करने लग जाती है ना, चूँ चूँ की आवाज़ सुन के मैं बाहर आ जाती हूँ। और मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ी थी, इतनी वेराइटी की बर्ड्स है यहाँ पर, जो कि मैंने वीडियो में नहीं लिया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्यों नहीं लिया। तो अगर अब दिखेगी ना मैं आपको दिखाऊंगी, इस पेड़ में तो खैर बहुत सारी बर्ड्स होती है, और यहाँ नीचे को भी मेरे को बड़ी अलग अलग सी बर्ड दिखती थी। और वैसे तो यहाँ पे मोर भी होते हैं, मैंने कभी ऐसे नज़दीक से नहीं देखे मोर। वैसे पापा जब सुबह वॉक पर जाते तो हमेशा बताएंगे नहीं ना मैंने मोर देखा, और जब मैं भी जाऊँगी तो मुझे कभी भी नहीं दिखेगा, ये कॉमेडी है ही है यहाँ पर। फिर मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट मोर। सो यस, बड़ी सुंदर सुबह होती है यहाँ पर। आज मम्मी ने क्या बनाया, ये किस चीज का साग है? छूछ का साग है। अच्छा, मुझे तो ये बोलते हुए भी बहुत हंसी आ रही थी, छूछ मैंने कभी खाया नहीं है। अच्छा। बट मुझे पापा बता रहे थे कि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। वैसे तो सारी पानी में होता है साग। अच्छा, ये हमारे लिए तब हमारे को तो कोई आता नहीं था बेचने ना, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, वैसे तो सारी बड़े दीदी ना वो लाया करते थे, जहाँ उनके घर है ना वहाँ बड़ी नदी बहती है एक, तो वहाँ होता था उसके आसपास, तो वो लाते थे हमारे को बचपन में, खाया मेरे को बड़ा पसंद। अभी कैसे लाया आप? ये आया था कोई बेचने वाला ने। अच्छा, तो बड़ी गुच्छी दे गया वो। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले खाया होगा, बस इसका नाम अलग है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कुछ अलग चीज है। और वैसे बचपन में ये बहुत स्ट्रगल रहता था मेरी मम्मी का मुझे हरी सब्जियां खिलाने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी, बट अब मैं खा लेती हूँ, अब मैं सब खाती हूँ। तो तुम खाओगी रजत के साथ तो कोई भी हरा भरा खाना। सही बात है, उसको इतना शौक रहता है हेल्दी हेल्दी। पसंद है ना? हाँ। आपको तो बहुत सुख रहा होगा रजत के साथ, सारी वेजिटेबल्स खाता है। हाँ, खाता था शुरू से ही। अपनी हाइड्रेशन के लिए तो हमने ले लिया पानी, गाड़ी की हाइड्रेशन, गाड़ी की भी तब की बुरी हालत हो गई है। ये तो है बात, ये तो फुल था ऑलमोस्ट, प्यास ही नहीं लगी। हाँ, मैं तो एक और बॉटल भी रखी हुई थी कि चलो ये भी लगी जाएगा। हाँ जी, ओ खिलने भी शुरू हो गए। वाह वाह वाह, मम्मी अब आपको पता है ना अगला काम क्या है आपका? प्रोजेक्ट शिमला के लिए भी आपने तैयार करने। पता है मुझे, पौधे तैयार कर करके रखूंगी शिमला। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया नहीं है हम कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, और फिर बीच रास्ते में शिवानी को भी छोड़ेंगे, इसलिए मैं, रजत और शिवानी हम तीनों साथ जा रहे हैं। मम्मी पापा घर पे ही हो गए, और आज मैंने कश्मीरी सूट पहना है, जिसको पहन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और ये हम कश्मीर से ही लेके आए थे। सो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कैसा है। ये है OOTD, हमारी घर की बहू का आज। पूरा देख लीजिए, ब्यूटीफुल कंगन के साथ। रुको, खानदानी कंगन, वाओ। ये लो, ये मम्मी की नानी के है ना? हाँ शायद,
मुझे मतलब बहुत पुराने कंगन है, पता नहीं है मतलब किसी बुजुर्ग के कंगन थे जिन्होंने मम्मी को दिए थे, फिर मम्मी ने मुझे दिए और मम्मी को ये था कि ये तो अब कहाँ ही फिट आएंगे और अब लड़कियाँ फैशन वाले पहनेगी, पर मुझे ये ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और क्योंकि जैसे आज मैंने कश्मीरी सूट पहना है तो मुझे ऐसा लग रहा था इसका डिज़ाइन बहुत अच्छे से जा रहा है इसके साथ, मैंने साथ में पहन ली। क्यों शिवानी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। और ये है मेरा आज का सूट। चलो 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 चलो, तो यहीं रह लो, तुम लोग दिखाते रहो अपने कपड़े। शिवानी ने आज स्वेटर पहना है तो इसलिए शिवानी पीछे बैठी है। तेरे को इतनी गर्मी में यार वहीं से ले आई थी मैं, अब सर्वाइकल होती है ना मुझे। हाँ दीदी को सर्वाइकल है ना, पेंट होती है, इज्जत होती है, बाकी तो क्या। तो फिर हमारा धन्यवाद क्यों कर रहे हो? दादी आपके संस्कार है ये, आपकी पोती को ये तो सब का बेटा, तो तुम्हारा सब सब का है, तुम मेरी छोटी तुम्हारा संजोग है, सबसे बढ़िया है, भगवान राजी खुशी रखे, अच्छी तरह की दे, अच्छा जीवन दे बस। अब आपने भी आना है यहाँ किसी दिन, हमारे गाँव अभी जैसे ही हम घर से निकले ना मुझे दादी का कॉल आया, तो बड़े खुश हो रहे थे कि तुमने बहुत अच्छे से अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे थे, मेरे को धन्यवाद की क्या बात है। तो दादी को बहुत खुशी हो रही थी कि सब इतने अच्छे से रह रहे हैं, और दादी ना शिवानी दीदी से बहुत प्यार रखते हैं, तो फिर उनसे भी बात करी तो बहुत खुश हो रहे थे। और शिवानी को भी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ना यहाँ पे मतलब रजत को और शिवानी को ये अपनी दादी को बहुत मिस करते हैं, और मेरी दादी से ये अपनी दादी जैसा ही प्यार रखते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो इसी के साथ साथ हम घर से भी निकल गए थे ना, और अभी यहाँ पे इतने सुंदर रास्ते आ रहे हैं, और पेड़ में ना ऐसे रेड लीव्स है, येलो लीव्स है, ग्रीन लीव्स है, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको दिखाती हूँ पहले, ये देखो, तो पूरा रास्ता ऐसे ही था। और जब स्प्रिंग आने लगता है ना मेरा ऐसा दिल खुश होता रहता है, पता नहीं क्यों, बिना बात के। गए शिवानी दीदी, सुए भी पता कितने लगेंगे मेरे को। कैसे बैठ गए यार बेचारे, कैसे दूं इनको, थोड़ा सा खोल ना, पीछे कोई फेंको, नहीं नहीं थोड़ा सा खोल बस, नैना कुछ नहीं होता, ले पकड़ा दे, नहीं, बस पकड़ा दे मतलब फेंक दे, ऐसे नीचे कोई फेंक दे, नहीं नहीं पीछे को फेंक दे ताकि सड़क पे भी ना है। हाँ मतलब वही ना, ओए बस खाल, कितना दूं अब, हमने भी खाना है, एक ही है हमारे पास, कैसे गुस्सा करे जा रहा है, एक और देती हूं बेचारा। इसी तरह लोग गए था ट्रैफिक, और उसका फायदा उठा के रख दिया, फटाफट से उतरा गाड़ी से और अपना बैग ले आया। चलो तुम्हारी टाइमिंग सही रही है, अभी तक ट्रैफिक खुला ही नहीं है, मैं ही खड़े। अच्छा गया क्यों था वो नहीं मैंने बताया, माइक। हाँ मुझे माइक चाहिए था, पहले रजत मुझे कहता था तू जा, मैं तो नहीं हिलने वाली, तो रजत फटाफट खुद ही चला गया। अब ऐसे ना हो कि बैग में माइक, ये वही माइक है जिसके लिए पूरा एयरपोर्ट वाले हमेशा पूरा वो खोल खोल के चेक करते हैं, इनको लगता है पता नहीं ये क्या है, डेड कैट को देख के वो घबरा जाते हैं। लो कोई भी घबरा जाए डेड कैट को देख के, और नाम भी ऐसे ये डेड कैट, ले 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 ये वाला रहने दो, चल मैं दिखाती हूँ ना डेड कैट वाला माइक कैसा है। डेड कैट ये है डेड कैट जिससे नॉइज डिस्टर्बेंस है ना वो नहीं आती। यार हमने अपना काम तो अभी तक शुरू नहीं किया है, बट बहुत जोर की भूख लगी थी, उससे पहले हम खाने आ गए और हमने अपना फेवरेट खाना ऑर्डर किया है, यहाँ पे कोरियन रेस्टोरेंट में आया, मजा आ गया, इतनी खुशी हो रही ना खाना खा के, मैं बता नहीं सकती। ये है टुकबोकी और ये है किम्बाप। ओ कोरियन रेमन कितनी बढ़िया लग रही है। ओ नैना ये भी था, भूल ही गई थी। ओके हमारा कंक्लूडिंग ऑर्डर है ये। ओ क्या मोमो है, बड़े बड़े। सो अभी हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे हमने सोचा था कि हो जाएगा आज में हो जाएगा, बट अभी तक वो 50-50 चला है, तो मुझे लगता है कि कल भी हमको रुकना पड़ेगा, आज भी रुकना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि रूपदी भी आए अपनी मूवी की प्रमोशंस के लिए, तो हमने सोचा उनको भी मिल लेंगे, तो हम तो अभी अपने रूम पे आ चुके हैं, रूपदी ने अभी आना है, वो फ्री नहीं हुए, तो हम उनसे भी मिलेंगे। बट आज के लिए मुझे लगता है कि हमारी बैटरी थोड़ी लो हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी कुछ था दिन भर, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी ना मैं यहाँ पे विंडो के पास खड़ी थी क्योंकि मुझे बाल सुखाने थे, और मौसम आज कुछ खास नहीं था, तो मैं ऐसे बाहर देख
देखने लग गए और देखते देखते पता मैंने क्या देखा, मैंने मोर देखी यार इतने नजदीक और वो डांस कर रहे थे, आपको भी दिखाऊंगी अभी मैं, पर मुझे इतनी ज्यादा खुशी अभी भी कर ही रहे हैं बता। हाँ अभी भी कर ही रहे हैं, इनफैक्ट मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही है इनको देख के, क्योंकि ना जब भी मैं गाँव में होती हूँ मतलब अपने ससुराल में होती हूँ ना, तो पापा हमेशा मुझे कहते हैं ना मैं मोर देख के आया हूँ, मोर देख के आया हूँ, मतलब मुझे चिढ़ाते रहते कि मुझे मोर दिखते हैं और मुझे मोर, मतलब उन्हें मोर दिखते हैं और मुझे मोर नहीं दिखते, तो आज मुझे मोर दिखे और उन्हें मोर नहीं दिखे हो पापा, मुझे भी दिख गए मोर। और वैसे यहाँ पे व्यू भी बड़ा सुंदर सा है, पूल इतना अच्छा है, काश मुझे पता होता हम ऐसे स्टे करेंगे एक दो दिन तो फिर मैं अपनी स्विमिंग ड्रेस लेके आती और जरूर जाती पूल में, मुझे बड़ा मजा आता पानी में खेलने का। ओह माय गॉड, नीचे भी ऊपर भी सो ब्यूटीफुल यार, ये जो ऊपर लेंटर के ऊपर है ना रजत, ये तो ऐसा लग रहा है स्पेशली हमारे को अपना डांस दिखाने के लिए दोनों झाड़ियों के बीच में खड़ा है। अभी हम ब्रेकफास्ट करके तो आ गए, बस मुझे थोड़ा सा रेडी होना है और रूपदी तो रेडी होके निकल भी गए अपने काम के लिए, और जब वो जिस मूवी की अभी प्रमोशंस के लिए आए ना, जब इस मूवी का शूट हो रहा था वो भी यहीं पे हुआ था, और उस टाइम पे भी ऐसे ही मैं और रजत बाय चांस अपने काम से आए थे और रूपदी का शूट था, और इसलिए मैं और रजत तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि रूपदी उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थे और हम रूपदी को कहते थे कि क्यों इतना काम कर रहे हो आप, अभी रहने दो, ऐसा करो वैसा करो, बट रूपदी तो मतलब यूं है फायर, इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इतनी इंस्पिरेशन मिलती है हमको उनसे, इनफैक्ट भी यहाँ से देख रहे थे। हाँ, नीचे पूल साइड ना वो शूट ही कर रहे हैं, तो वो नीचे भी अभी शूट ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनके बैक टू बैक इंटरव्यूज है, और फिर जो हम काम भी कह रहे हैं उसमें भी रुबी हमको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे अभी, तो मतलब हर जगह रुबी अपने हाथ लगाती रहती है, अच्छा ये भी करूंगी वो भी करूंगी, सो शी इज सो हार्ड वर्किंग, और सारा काम इतने अच्छे से करते हैं ना कि हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हमें भी ऐसे ही करना है, हम भी अच्छे से ही करेंगे। वो देख रुबी दी नीचे शूट कर रहे हैं, रूबी के फैंस आ गए। सो यस गाइस, अभी मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, वरना मैं गप्पों में ही रह जाऊंगी, मुझे भी अब कुछ काम अच्छे से करने हैं, और आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून।